मंडला जिले की भैंसवाही में पुलिस प्रशासन द्वारा गौ तस्करों पर की गई कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कार्रवाई पर AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मैसेज कर सवाल उठाए हैं, जिससे नाराज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर ओवैसी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि मंडला के भैंसवा गांव में शुक्रवार को पुलिस को 11 घरों से 100 से ज्यादा जीवित गौवंश और भारी मात्रा में गौ मांस और अन्य चीजें मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद गौ मांस पर राजनीति अपने चरम पर है। असुद्दीन ओवैसी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को मॉब लिंचिंग करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखी गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल किया। जो काम पहले भीड़ करती थी वह काम अब सरकार कर रही। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया है। उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। इधर ओवैसी की इस प्रतिक्रिया से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा, जिसके विरोध में उन्होंने ओवैसी का पुतला दहन किया। भाई साहब, ये वजह बहुत बड़ी है। ये हिंदुओं को दहलाने वाली बात थी। यहाँ जो हत्यारे पल रहे थे शताब्दियों से भैंसवाही में, न जाने कितने लाखों जीव वहाँ कट चुके और कितने लोगों ने भक्षण कर चुका। हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल के बजरंगियों ने कुछ सूचना दी और उसके वजह वहाँ पे भैंस गायें पकड़ाई, कम से कम 100 से 150 नंग गाय पकड़ाई और उस गायों को देखते हुए बजरंगियों को रोष आया और रोष आने के बाद में आज जो यहाँ पुतला दहन हुआ, ये ओवैसी का पुतला दिन हुआ, ये बहुत हत्यारा है और हत्यारों का साथ दे रहा है। इसलिए सभी हिंदू एकजुट होकर और ओवैसी का पुतला दहन किए। जी, वक्तव्य ये दिया है कि जितने भी यहाँ जो 11-12 लोगों के ऊपर जो मामला कायम हुआ और वो कायम होने के बाद ओवैसी को दुख हुआ और ओवैसी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका हम लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो यहाँ पे बयान दिया है, विगत दिवस भैंसवाही में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि गौवंश की हत्या करने वाले 11 ऐसे परिवार हैं जिन पर मामला कायम करके उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। इस पर उसकी विपरीत, जो मतलब एक तरीके से कहना चाहिए विपरीत बयान ओवैसी जी का आया। उन्होंने ये कहा है कि हमेशा से ही टारगेट एक किसी धर्म को किया जाता है जो कि गलत है, और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने घर तोड़े गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। वास्तव में उस ग्राम में, उस गांव में ये देखा जाता है, विगत बहुत से दिनों से ये देखा गया है कि कम से कम 40-50 साल से ये देखा गया है कि वहाँ पर गौवंश की हत्या की जाती है, जिसके कारण हमारे मतलब नैनपुर थाना क्षेत्र के एक मोहतजमान सिपाही जिनका नाम है महेश यादव जी, उनकी बलि भी चढ़ चुकी है। और इसका बहुत अच्छा है कि ये मतलब कि गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम उठाया गया है, हम इस कदम को उठाने के लिए शासन प्रशासन का एवं मंडला पुलिस का तहे दिल से मतलब धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो ओवैसी जी ने ये जो कहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और उन्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जो गाय काटने वाले हैं अभी तो उनका घर सिर्फ ढहा है, जिस दिन ज़रूरत पड़ी तो पूरा हिंदू समाज उनको भी ढहा देगा, उनको भी ख़त्म कर देगा। धन्यवाद। वहीं ओवैसी के इस बयान के बाद सीएम मोहन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वह जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। देखिए, यह ओवैसी की दृष्टि हो सकती है। देश में संविधान के आधार पर सरकारी चलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनजीवन को किसी प्रकार कोई कष्ट आए हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेरी बात उन तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दीजिए कि वह हैदराबाद नहीं समझे, यह मध्य प्रदेश है। देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा दो वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं।
अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले और खास करके गुंडा तत्वों के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है।